तो दोस्तों आपको भी अगर कन्नी बांधना सीखना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक हाथ का नाप ले लेना है और नाप जो ले रखा है आपको चार छेद करने पड़ेंगे। ऊपर की साइड मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं, तो आपको माचिस की जरूरत पड़ेगी और माचिस को आपको जलाना है। जलाने के बाद उसको बुझाना है सिंपली, और बुझाने के बाद उसके अंदर छेद कर लेना है। ऊपर की साइड मैंने कर रखे हैं इसलिए मैं नीचे की साइड कर रहा हूँ, और इसी तरह आप भी छेद कर लें। फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी धागे की, और धागा आप दो लें ताकि आपकी पतंग आसानी से कटेगी नहीं, तो इसीलिए मैंने भी दो लिए हैं। और दो लेने से आपका एक फ़ायदा है कि आपकी पतंग जो है कोई दूसरा अगर काटेगा तो आपको आसानी से नहीं कट पाएगी। तो ये एक सिंपल सा फंडा है जो पतंगबाजी करते हैं। आपको बहुत सारे जने को तो पता होगा, लेकिन कन्नी बांधना बहुत कम लोगों को आता है। तो ये मैंने सिंपली ऊपर की साइड में बांध दिया, और नीचे की साइड में भी आपको बांध लेना है जैसा कि मैं बांध रहा हूँ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको धीरे से दबा दीजिए, फिर तेज़ से दबा दीजिए, परंतु दबा जरूर दीजिएगा। तो इसको आपको क्या करना है, सिंपली बांध लेना है जिस तरह से मैं बांध रहा हूँ। आप देखते जाइए, बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आप परफेक्ट कन्नी बांधना सीख जाएंगे और पतंग में आप नंबर वन हो सकते हैं। पतंगबाजी मतलब बहुत जने लोग करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट आप बांध सकते हैं इस कन्नी को बांधने के बाद। तो मैंने भी सिंपली अभी सीखा है। आई एम नॉट परफेक्ट, बट मैं जो कन्नी बांध रहा हूँ ना वो आपको परफेक्ट बना सकती है। तो आपको नीचे की साइड में भी बांध लेना है जिस तरीके से मैंने बांध दिया है। तो अभी सिंपली से बांधते हैं। देखिए आप मैं क्या क्या कर रहा हूँ, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको भी करना है। तो अभी क्या करना है, आपको एक सेंटर लेना है। सेंटर कैसे लेना है, आपको दोनों तरफ मिलाना है धागे को, दोनों छेद की तरफ ऊपर और नीचे। अगर आपका दोनों साइड अच्छे से मिल रहा है तो आपका सेंटर एकदम परफेक्ट है। अगर आपका सेंटर परफेक्ट है तो आपकी पतंग भी परफेक्ट उड़ेगी, और दूसरों की तुलना में आप काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए मैं सिंपल सी यहाँ पे एक गांठ बांध रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेंटर लेने के बाद आपको गांठ बांधनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक गांठ बांध देते हैं, अच्छे से छोटी सी गांठ बांधनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बांधनी है, छोटी सी गांठ बांध लेते हैं। और गांठ बांधने के बाद वापस सेंटर लेना पड़ेगा आपको, जिससे आपका जो सेंटर है वो आप वापस श्योर कर सकें कि आपका सेंटर सही है या नहीं है। तो आपको गांठ बांध लेनी है, तो गांठ बांध देते हैं, फिर इसका वापस सेंटर लेना आपको। तो गांठ बांधिए, चलिए। तो ये मैंने बांध दी है घटान गांठ, आप जो भी बोलते हैं आप बांध सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एंड तक वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी तरीके से समझ आ जाए। तो बीच में आप स्किप कर देंगे तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो ये मैंने गठन बांध दिया। गठन लेने के बाद वापस आपको मेजरमेंट लेना है कि सेंटर है कि नहीं। तो ये अपनी कन्नी बांध कर तैयार हो चुकी है।